सो हे गाइस, मैं आपकी होस्ट नुपुर। वेलकम टू माय चैनल इन व्लॉग नुपुर। तो फ्रेंड्स, आज 21 जून है और आज हमारे देश और पूरे विश्व के लिए अहम तारीख है, क्योंकि आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। हम सभी जानते हैं हमारा देश ऋषि मुनियों और योगियों का देश रहा है, जिन्होंने योग के बल पर कठिन तपस्या की है। और वर्तमान में योग गुरु बाबा रामदेव जी ने योग को भारत के अलावा पूरे विश्व में फैलाया है। योग की शुरुआत हमारे भारत देश से हुई है, इसलिए भारत को विश्व में योग गुरु भी कहा जाता है। आइए आपको बताते हैं विश्व योगा दिवस की शुरुआत कैसे हुई। 27 सितंबर 2014 को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में योगा दिवस बनाने का प्रस्ताव भेजा, और जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने 11 दिसंबर 2014 को अपनी जनरल असेंबली में योग के ऊपर एक बिल पारित किया था और 21 जून की तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने की घोषणा की थी। 21 जून 2015 को विश्व का पहला योगा दिवस मनाया गया था। आइए फ्रेंड्स, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं। 21 जून तारीख योगा दिवस के लिए क्यों लिया गया, इसका भी एक अलग महत्व है, क्योंकि यह दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घ आयु बनाता है। और आज हम भारत का और पूरे विश्व का 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। और फ्रेंड्स, इसी के उपलक्ष में आज हमारे शहर शाहजहांपुर के ओसीएफ रामलीला ग्राउंड में योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री, नेता, अधिकारीगण, योग साधक, नागरिक के अलावा स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। और इस आयोजन को सफल बनाने में जिला प्रशासन, नगर निगम शाहजहांपुर और जिन लोगों ने भाग लिया, उन सभी को हम अपने चैनल व्लॉग नुपुर के माध्यम से धन्यवाद करते हैं। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पे योग साधक जो हैं वो हाथ से योग करवा रहे हैं। थोड़ा सा खनखनाहट में बदले नहीं हंसी आती है, तो आप देख सकते हैं। किसी को वैसे तो हाथ में हंसना ठीक नहीं है, डेंगू में हंसना ठीक नहीं है, है कि नहीं? और हंसना है तो उन्मुक्त भाव से हंसना है। हमेशा संतुलित रखना है, इसमें ही हमारा आत्मविश्वास समाया है। मैं स्वयं के प्रति कुटुंब के प्रति कार्य समाज और विश्व के प्रति शांति आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूँ। गंगा मैया की जय। गंगा मैया को स्वच्छ रखूंगा।
धुआं, गंगा घाट पर कूड़ा कचरा, प्लास्टिक, पॉलिथीन नहीं डालूंगा। मैं गंगा नदी में किसी प्रकार की पूजन सामग्री नहीं डालूंगा। ये नदी हमारी है, हमें इसकी रक्षा करनी है। गंगा भैया की जय, गंगा भैया की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो फ्रेंड्स, शहर में अलग अलग जगहों पे योग शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें नमामि गंगे नेहरू युवा केंद्र की ओर से भी योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने योग और गंगा सफाई की शपथ भी ग्रहण की। फ्रेंड्स, योग का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। योग हमको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से जोड़ता है। तो हम यही चाहते हैं कि आप लोग भी योग से जुड़िए और अपने आप को निरोग बनाइए। और अभी तक आप लोग मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल ब्लॉगर नूपुर से भी जुड़ जाइए। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक करो और इस पूरे ब्लॉग को शेयर करो। और फ्रेंड्स, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर से फॉलो करें। और फ्रेंड्स, मेरे भाई का भी यूट्यूब चैनल है ब्लॉगर कार्तिक, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है। वो भी घर के ब्लॉग्स डालता है, बिहाइंड द सीन डालता है। तो प्लीज़ आप लोग उसके चैनल को सपोर्ट कीजिए और खूब सारा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।